for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. सलमान खान की फिल्म भारत एक बहुत ही खास फिल्म है। ये कोरियन फिल्म एन ओड टू माय फादर का ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म में सलमान एक ऐसा रोल करने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया। इस फिल्म में वो जिंदगी के अलग अलग पड़ाव को पार करते नजर आएंगे, जहां वो एक टीनेजर से लेकर एक बुजुर्ग के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म से ही प्रियंका चोपड़ा भी इंडस्ट्री में कमबैक कर रही है। और अब हमें पता चला है कि मेकर्स ने विशाल डडलानी, शेखर राजीवानी और इरशाद कामिल को इस फिल्म के म्यूजिक पर काम करने के लिए अप्रोच किया है। वाओ! इससे अब अली अब्बास जफर अपनी इस म्यूजिकल टीम के साथ तीसरी बार रीयूनाइट कर रहे होंगे। पहले इस टीम ने सलमान खान की पिछली फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है में भी काम किया है और रिजल्ट्स तो तारीफ के काबिल रहे हैं। ऐसे में अब इन सबको फिल्म भारत के म्यूजिक पर काम करते देखकर हमें यकीन है कि इस फिल्म का जूक बॉक्स भी एक रॉकिंग हिट होगा, है ना?